डे स्टूडेंट्स uh, मुझे इस मॉड्यूल में आपसे नाउन फ्रेज डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से बात करनी है सो नाउन फ्रेज डिवेलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग नाउन फ्रेजेस विच आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी किसी सेंटेंस में नाउन के तौर पर जो फ्रेज काम करे वो नाउन फ्रेज कहलाएगी और दिस इन्वाल्वस सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट नाउन एंड मॉडिफाइंग इट विथ डिटर्मिनर्स एडजटव्स आर अदर नाउंस टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन यानी हम इसे मॉडिफाइंग uh, और डिटर्मिनर्स इसमें इस्तेमाल करेंगे इसके मीनिंग्स को या दो एडजैक्टिव्स वगैरह ताकि इसके जो नाउंस को वो इस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड uh, करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे uh, और मोर ओवर उनके करेक्टर ट्रैक्टर करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सो नॉन फ्रेज डेवलपमेंट इज़ एन असेंशियल आस्पेक्ट ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन फकरे बनाने की ये एक लाजमी एक ये शक्ल है जिसमें कोई स्पीकर है अपनी डिज़ायर्ड वो जो कम्युनिकेशन करना चाहता है वो अपनी डिज़ायर्ड कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ करना चाहता है वो या करता है वो सो वट इज़ फ्रेज फ्रेज यूजिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब एंड स्पेसिफाई ये नॉन फ्रेज

जो नाउन फ्रेज काम कर रही होती है और इट कैन बी नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज और इन इन्फेनिटिव फ्रेज तो ये यानी इसको ये नाउन uh, फ्रेज के साथ ये जी uh, ये फ्रेजेस भी यूज हो रही हैं हो सकती हैं किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी सेंटेंस को बनाने में अ कंपाउंड हेड कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड नाउन जो चूकि मुश्तम होता है एक नाउन हेड के जरिए विद एन अदर आइटम और मोस्ट टाइपिकली अ नाउन बट इट मे आल्सो बी एन एडजेक्टिव वो नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है या वर्ब भी हो सकता है और प्लेस्ड बिफोर इट इन अ वेरी क्लोज सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक रिलेशनशिप यानी ग्रामर के और वर्ड्स मीनिंग के रूल्स की रिलेशनशिप के, के लिहाज से इसको हम यूज़ करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं और डिपेंडेंट एलिमेंट्स क्या है प्री मॉडिफायर्स इसमें एन दी दिस ऑल एनी और सम तो ये भी इन नाउन फ्रेजेज में हम इनको भी इस्तेमाल करते हैं व्हाट आर पोस्ट मॉडिफायर्स पोस्ट मॉडिफायर्स आर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ आर नाउन आर एडजेक्टिव आर प्रोनाउन टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन अबाउट इट तो ये किसी जो uh, नाउन की या उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स द यूजली कंसिस्ट ऑफ फ्रेजेस क्लाजिज आर प्रपोजिशनल फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन इन मोर डिटेल यानी ये डिटेल के साथ उनको क्या करना है कि फ्रेज़ के की क्लैरिफिकेशन के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसको ये मॉडिफाई करते हैं यानी उसके मीनिंग्स में चेंज लाते हैं ये इससे मुराद है और Uh, जो पोस्ट मॉडिफायर्स को हम इस तरह सेंटेंसेस में नाउंस के मीडियम मीनिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए या उनमें चेंज लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब एग्जांपल्स ऑफ फ्रेज़ेस है uh, कुछ फ्रेज़ेस हैं जिनको हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी एग्जाम्पल कि द मैन विद द हैट वॉकड डाउन द स्ट्रीट द पोस्ट मॉडिफायर क्या है विद द हैट यानी विद विद द हैट उस आदमी के एक करेक्ट्रिस्टिक के बारे में बता रहा है टू विच प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैन यानी उस आदमी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है और इन द सेंटेंस द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन के जो किताब मेज पर है वो मेरी है अब द पोस्ट मॉडिफायर क्या है ऑन द टेबल तो ये बता रही है कि बुक की लोकेशन क्या है बुक कहां रखी हुई है अब देखें कुछ और एग्जाम्पल इसकी हैं फ्रेजेस की सो गिव समवन अ हैंड क्या मतलब है किसी की मदद करना सो आई नीड अ डेवलपर लाइक्स यू टू फिक्स दिस इशू कैन यू गिव मी अ हैंड क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं शार्प एग्जैक्टली एट अ पर्टिकुलर टाइम द पार्टी विल स्टार्ट एट टेन ओ क्लाक शॉप फिर टेक इट ईजी तो किसी चीज़ को रिलैक्स अंदाज में लेना आई विल टेक इट ईजी इट इज़ ओनली अ फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम ठीक है तो ये इस तरह एग्जाम्पल्स हैं जब हम नाउन uh, फ्रेज़ेस को यूज़ करते हैं और उनको लैंग्वेज में सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे होते हैं जो उनके uh, जो uh, फिगरेटिव लैंग्वेज के तौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं क्या मतलब है उनको लिटरेरी लैंग्वेज के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं इनके लिटरल मीनिंग नहीं ये होते लफसी मानी नहीं होते नाउन uh, फ्रेज़ की जो टाइप्स हैं नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज है एडवर्व uh, फ्रेज है पर फ्रेज है प्रपोजिशनल फ्रेज और ये सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने मीनिंग्स के लिहाज से अपने अपने फंक्शन के लिहाज से ये सेंटेंस में यूज होती हैं और अपना समटाइम्स ये क्लैरिफाई करते हैं समटाइम्स ये वर्ब के मीनिंग में ऐड करते हैं जैसे एडवर्ब है जैसे आई वॉक स्लोली तो स्लोली क्या है एडवर्ब है तो ये मीनिंग्स में ऐड कर रहा है हाउ टू यूज फ्रेज रूल्स एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर इसमें देर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर क्या है कि फ्रेजेस आर जस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड कांट स्टैंड अलोन पहली बात यह कि फ्रेजेस को हम सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं तो उनके मीनिंग्स होते हैं ये अकेले मीनिंग्स नहीं देते दे डोंट डोंट गिव कंप्लीट मीनिंग इफ़ टेकन आउट कॉन्टेक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स अगर हम इनको कॉन्टेक्सट से बाहर ले जाएँ तो तब ये उसके सही मीनिंग अदा नहीं करते और दे आर मोस्टली यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर कंपोनेंट्स इन अ सेंटेंस तो यानी जिस भी सेंस में ये इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसके मीनिंग्स में ये ऐड करते हैं उसको क्लैरिफाई करते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं उसको चेंज करते हैं जो भी सो दे कैन बी मोर देन वन फ्रेज इन अ सेंटेंस सो मेक श्योर दैट फ्रेजिज गिवज अस गिव्ज योर सेंटेंस क्लैरिटी तो ये क्लैरिटी देते हैं और डजेंट सिंपली एक्यूमुलेट द सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन तो ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन नहीं देते बल्कि इसके मीनिंग्स में ऐड भी करते हैं और उसको चेंज भी करते हैं तो ये था फ्रेजेस का यूज़ और डिफरेंट फ्रेजेस को हम कैसे और बेसिकली नाउन फ्रेज़ की बात है कि नॉन फ्रेज डिफरेंट फ्रेजेस के साथ कैसे इस्तेमाल होता है और किस तरह कॉन्टेक्ट के अंदर रहते हुए इस, इस्तेमाल हम इसको करते हैं और किस तरह हम इसको मज़ीद इस्तेमाल करके अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं